सीने आजकल सीएम इंडिया टीवी से, हम अश्वनी कुमार पिंटू। आज हम बड़ाहरा विधानसभा क्षेत्र के रामशहर गांव और चातर गांव के बीच में बानी। हम आज कौनो चुनावी रैली के बारे में बात करे नहीं आयल, अब वोट के बात करे खातिर नहीं आयल एजा। आज हम एजा से गुजरत रही तो किसान के जौन हम दर्द देखनी हाँ, वह दर्द के बयान करे खातिर आयल बनी। आ कुछ लोग एजा जे हमारा खेत में काम करत मिल गई, आज हम उनका लोग से बात भी करब कि ये जो फसल रउआ सभी के गिरल बा, एकरा पर भी केहू शुद्धि बुद्धि लेता कि ना लेता। आई हम एगो किसान से बात करब, एजा के जो किसान बड़न उनका से बात करब कि जो इनकर फसल गिरल बा। सबसे पहले तो हम रउआ से ये पूछल चाहतनी कि खेत राउरे बा? हाँ हमरे बा। अच्छा, ये खेत में बिया रउआ कहाँ से खरीद ले रही? बिया हम आरा से खरीद के ले रहे। मैंने बिया जो खरीद ले रही रउआ तो सब्सिडी पर मिल रहे कि आपन पैसा से खरीद ले रही? आपन पैसा से खरीद ले रही। तो ये जो सरकार जो उनका दावा करती है कि हम इतना बीज सब्सिडी पर देनी, इतना किसान के बांट देनी, तो क्या वो बिया से रउआ सब के लाभ ना मिलेगा? बिया सरकार तो देते, बिया हमने भी पहुँचे तब न सब बीच में गड़बड़ा जाता सब खेला। तो कहे के मतलब ये बा कि मैंने सरकार के में कोनो गलती नहीं है, बिचौलिया जो बा एकरा के गड़बड़ा रहल बा, बिचौलिया के दोष बा। तो जो धान के फसल राउट गिरल बा, कैमरा मैन से कहूँ कि दिखाई होने कौरी, तो इका एकर कारण का मानत नहीं रुआ? एकर कारण पानी लगला से भूल बा। मैंने कहने का मतलब पानी लगा है, मैं बारिश ज्यादा हो गया, बारिश ज्यादा भइल। हाँ तो धान के फसल में तो लोग कहता है कि पानी ज्यादा रहेगा तो अच्छा रहेगा, कोनो चीज में जरूरत से ज्यादा कुछ होला तो ठीक, यानी अति सर्वत बढ़ जाते, बारिश ज्यादा हो गया। ज्यादा बारिश होने का कारण क्या है? ज्यादा उपज हो गया। आज दूसरा किसान से हम बात करते नहीं, अभी क्या बताओ तो नहीं रुआ? ज्यादा बारिश होने आरु आगे आजा मरते तनी, ज्यादा बारिश होकर के ज्यादा उपज ज्यादा हो गई, धान यही से गिर गई। अच्छा, रउआ धान के खेती कैले बनी? हाँ धान के खेती हम कैले बनी। अच्छा, कितना कितना बीघा में लगले बनी? बाटे अढ़ाई बीघा में। अढ़ाई बीघा में रउरो धान के फसल गिरल बा? हाँ गिरल बा हमरो फसल। टोटल गिर गई बा कि कुछ बाकी बा? कुछ बाकी बा, कुछ और साफा सुत गई बा सब। अच्छा, फसल बीमा भी सरकार कहती है कि हमनी के दही ला जा, लेकिन फसल बीमा मिलल है कि ना? ना फसल बीमा हमका नहीं मिलल। अच्छा, खाद बीज ख्याति सब्सिडी पर जो कुछ भी मिल रहा बा तो वो सब मिलल है कि ना? कुछ कुछ ना मिलल, डाटा उड़ गई बा कि का? डाटे उड़ गई। सुनिए क्या कह रहे, सुनिए हम हमनी के जौन अथी भरल रह जा कहला फसल बीमा, ओकर पैसा ना आई का तो डाटे उड़ गई बा। नया चीज सुनने को मिला कि डाटा उड़ गया है किसानों को, ये माने यहाँ हम यह कहेंगे कि माने एक बुर्बक बनाने वाली बात है, इसको हम क्या कहेंगे कि बुर्बक बनाने वाली बात है। चाचा रहो को हम देखा था नहीं कि बड़ा निगाह से देख रहा बनी, तनी आ जाइए ना, हम रहो से बात कर ली। हाँ अच्छा, रहो कितना दिन से खेती करता नहीं? हमारा खेती करो 30 बरस हो गए। 30 बरस कतना रउआ धान लगाई ला? 5 बीघा। 5 बीघा। अभी धान के फसल के क्या स्थिति बा? धान के स्थिति तो बाकी आधा पर हो गई, सब गिर के भस गई। तो गावे गावे चुनावी रैली भी हो रहा बा, नेता लोग भी आ रहा बा, तो का उ लोग के सब पर चर्चा ना करेला? ए पर कुछ चर्चा नहीं है, पर चर्चे को लोग तो गरीब मरी तेरा के किसानी तो बा कि सब खर्चा कोई नहीं, सब बर्बाद हो गई, ये ना हमने के कहब जा। तो एक चीज और नहीं है करा के? अच्छा, मैंने को केहू नहीं के पूछते कुछ ना? अच्छा, कहाँ घर पर? और राम शहर है जो है बगीचा के बीरू पट्टी। अच्छा, का नाम बा? हरे राम सिंह। अच्छा, हरे राम सिंह से अभी हम बात कहनी हाँ यहाँ के कहना। अच्छा, एक चीज और पूछल चाहता नहीं रुआ से कि फसल बीमा के पैसा मिलल है कि ना? कुछ ना भरा वाला भरवा दी और भरवा के हमने कुछ जो है नहीं जो ऊपर उठा के खा गई कि क्या कुछ तो ना। डीजल अनुदान के पैसा? कुछ ना, एकदम कुछ नहीं मिलल हमने। अच्छा, तो मानी सरकार जो दावा कर रहा बिया कि हम हतना डीजल अनुदान के पैसा बटनी, हतना सब कुछ कैनी, लेकिन रुआ सब कहता नहीं कि कुछ मिलबे ना कैल। तो यानी कि मैंने धान के बिया भी रहुआ अपना पैसा से किन? अपना पैसा से किन ले, मैंने अपना पैसा से सब काम, अपना पैसा से किसान हम बनी, अपना पैसा से सब करौल बनी, कुछ हमने के नहीं छूट छाट कुछ सरकार से मिल ले नहीं गया। हम तो एक दिन ब्लॉक पर गई रही तो वही जाके SMS रहन, किसान सलाहकार रहन, तो वो लोग बतावल
कि हतना बिया बांट देवल गईल, हतना किसान के देवल गईल। आ जौन किसान से जब बात हो रहा बा, लोग कह रहा बा कि थी हमनी के कुछ मिलवे ना कर, ए चीज के हमनी के नामे चोर नहीं है, खाली भर दो चाचा भर दो आ जाए। तो इस सरकार जब वहाँ मोदी जी वजह से पैसा जो दे रहा बने तो वो तो सर्वे बा रिकॉर्ड बाकी जा रहा बा, तो बीच में पैसा कहाँ चल जाता, बीच में कहाँ चल जाता, बीच में जो भरा तो खा जाता, जो नामे निशान नहीं गया कि हाँ रहा मिली कि ना मिली, हाँ एडेट की मिली, हे महीना में मिली। तो आई हम एगो अगला चर्चा करो, देखिए अपन छोट बच्चा के लेकर के यहाँ के अपना खेत घूमे खातिर आयल बनी, आई हम यहाँ से बात करो तनी कि यहाँ के का कहल जाता नहीं, कतना धान के फसल कैले बनी रहुआ। हम अभी खेती नहीं कैले। अच्छा, तो का खेती ना करे के कारण का बा, देखत तनी ये सब कारण बा कि का आदमी खेती करो, खेती कर खेती करता घाटा लग जाता, किसान तो खेत छोड़ के भागता, कहाँ फायदा, फायदा कहाँ होता कृषि में। तो ये छोट बच्चा लेकर के मैंने ये शाम के मैंने टहला था नहीं रुक घूमे खाते ले बनी। अच्छा, तो रुआ हिसाब से जो ये धान के फसल जो कैमरामैन से कहेंगे उधर दिखाएंगे कि धान के फसल जो गिरल बा, तो ये सरकार जो कह रहा बिया कि हम थी फसल क्षति दे रहा बनी, किसान बीमा दे रहा बनी, एकरा पर बोली कुछ नहीं खा देत, और लेके खा जाता हमसे आ झूठो के डेटा उड़ गई, तो डेटा उड़ गई कि बेटा उड़ गई कि नाती उड़ गई, अब किसान के क्या बुझाता। तो ये थी सर्वे बता रहा बा, जब पेपर देखला से पता चल रहा बा कि मोदी जी हतना पैसा फसल क्षति खाती किसान के दे दिलन, तो वो पैसा कहाँ गई रहुआ हिसाब से, कहाँ गई बीच वाला खा गई लेके, और का कहे हमको हम ये 400 रुपया भराई भी पैसा लग रहा बा, और मिलत अल नहीं के फार्म कहाँ जाने कहाँ जाता, सामने वोरी भराता और फार्म कहाँ जाने कहाँ धरा जाता कि कहाँ हो जाता, फिर था नहीं के चलत हमनी के। किसान के गुस्सा के देखला से ही पता चल रहा बा कि किसान गुस्सा में बड़न कि सरकार के द्वारा जौन भी फसल क्षति के पैसा मिल रहा बा, चाहे किसान के अनुदान मिल रहा बा, उनका तक नहीं खे पहुँचत। आज हमें 4-5 गो किसान से जो बात कहनी तो यह सामने आएल कि पैसा तो वहाँ सरकार के द्वारा छोड़ जा रहा बा, लेकिन पैसा कोई के मिलत नहीं के। रउआ कुछ और कहल चाह तनी, मिलत रहे किसान सम्मान योजना वाला, एहू में एक बेरा योजना में आई ला 3-4 बेरा के कितना लोग के मिलल कितना लोग के ना मिलल, हमने के अभी तो आयले नहीं किसान सम्मान योजना वाला पैसा। अच्छा, इधर 2000 रुपया जो नावत रहे प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना वाला पैसा, माने वो एक बार पैसा रहुआ राउर आयल ओकरा बाद आवते नहीं है, पते नहीं है चलते काहे नहीं है आवत। अब तो गोइला पर कहता से बंद बात अथी बंद बा, कुछ आदमी के नहीं आवत, कुछ आदमी के आ रहा बा कुछ आदमी के नहीं आवत, और जब गोइला पर पूछे आवत जर आवत ब्लॉक के आदमी पूछे जाता आदमी तो का होता तहार नहीं आई ये बात हो जाता। चलिए हम आज ऐजा पहुँचल रही रामशहर गांव के करीब, ऐजा 4-5 गो किसान से हम बात करी, किसान के गुस्सा देखला से ही पता चल रहा बा कि किसान गुस्सा में बड़न, पैसा तो ऊपर से चलता लेकिन इ लोग के पास पहुँचत नहीं खे, बीच में दलाल खा जाए, यहाँ सब के कहना मी है बा। आज जवन है फसल गिरल बा एकरा पर विशेष चर्चा के दौरान आज हम 4-5 किसान से जो बात कनी, आज हम एक किसान पर चर्चा करे खातिर ना चुनावी रैली के में चर्चा करे खातिर जात रही, बीच में जो स्थिति देखनी है किसान के दर्द जवन बा हमरा से ना देखल गईला, तो आज हम एकरा पर चर्चा कनी है, और संजोग से वो किसान भी हमरा एजा मिल गई है जेकर फसल एगी गिरल बा। चर्चा के दौरान सामने बात एगो नया उभर के ये आई है कि सरकार के द्वारा हमार मोदी जी के द्वारा जवन पैसा ऊपर से आ रहा बा बिचवलिया लोग खा जा रहा बा, समय से कुछ नहीं के हो पाओत। एक किसान के कहना में हो रहे कि का बरसा जब कृषि सुखानी आ अति सर्वत बढ़ जाते, बारिश ज़्यादा हो गया इसके वजह से फसल गिर गया, तो आई पूरा फसल जो गिरने के बाद ही बर्बाद हो गया, 2-4% इससे अनाज हासिल होगा। एक बात और मैं अपने तरफ से जरूर कहना चाहूँगा सीने आजकल सीएम इंडिया टीवी के माध्यम से कि जो फसल किसान उगाते हैं हमारे सरकार का, हाँ और देखिए बात कर रहे हैं, एक नया चीज़ बता रहे हैं, मके 2.5 बीघा बोल रहे हैं सब घोपड़ा से खा गए न, धान गिर जाता मके घोपड़ा से खा जाता सब बंसुआ रहा घोपड़ा मैंने बुझाते है कुछ वो भी केना पड़ी सब छोड़िए देवे के पड़ी का मैंने जानवरों का आतंक भी काफी बा एजा।
तो एक हम ये कहल चाहब कि किसान के दर्द के समझते हुए सरकार कुछ ना कुछ उपाय जरूर निकाले, ऐसे कि किसान लोग के कहनाम बा कि हमनी के फसल उगाई ला जा, दाम सरकार तय करेले, बाकी फैक्ट्री में जौन चीज बनेला ओकर दाम फैक्ट्री वाला तय करेला, लेकिन हमनी के दाम तय करे के अधिकार नहीं खे, हमनी के महंगा से महंगा खाद बीज ला के खेती करी ला जा, सीना पर पत्थर राख करके बीज डाली ला जा, ओकरा बाद भी दाम तय करे के अधिकारी हमनी के नहीं की जा, पूरा फसल के यदि खर्चा जोड़ल जाए तो 5,000 रुपया बीघा पर पड़ता और पूरा फसल बेचला के बाद 4,000 रुपया भी हासिल नहीं के हो। आज से हम लोग हम सब किसान तबाह बनी जा, ये पर सरकार के ध्यान देवे के चाहिए। सीने आजकल सीएम इंडिया टीवी से मैं अश्वनी कुमार, खबरों की हकीकत मनोरंजन के साथ देखने के लिए सीने आजकल सीएम इंडिया टीवी देखते रहे। धन्यवाद।